एकदम चलने लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स आज योगा इनसे सीख रहे थे। इतनी बड़ी सिंगर बर्नाली चट्टोपाध्याय भी आ गई थी जिन्होंने हीरा मंडी में गाने गाए। तो ये सब मिला के बहुत सुंदर आयोजन हो गया और मैं इसके लिए ख़ास तौर पर समृद्धि को और शिल्पी चुप को धन्यवाद देता हूँ। आप योगा करते हो? मैं 15 साल की उम्र से करता हूँ, मतलब मुझे ये करते करते 55 साल हो गए। मैं सुबह जल नीति करता हूँ, सुबह कभी कभी मैं कुंजल भी करता हूँ, शंख प्रक्षालन भी करता हूँ। तो ये सब 55 साल से कर रहा हूँ, योगा एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो उससे जैसे प्लेन में बैठा हूँ तो प्राणायाम शुरू कर देता हूँ, तो उससे मुझे इतना समय मिल जाता है, वहाँ कोई तंग तो ज़्यादा करता नहीं। तो वो सब करने से ही मेरी सांस इतनी लंबी है। लोग कहते हैं ना हीरे मोती ये तब तक गाते हैं जब तक लोग तालियां नहीं बजाते, तो वो प्राणायाम का कमाल है। तो इसलिए आप जितने सिंगर्स हैं कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ समय निकाल के प्राणायाम करें, आप देखिएगा कि आपके गाने में भी कितना फ़ायदा होगा। आज भी कहीं ऐसे लोग जो योगा करने में कतराते हैं, नहीं करते, बाहर देश में ये प्रचलन हो चुका है योगा करने? अरे पूरे संसार में हो गया है, कितने योगा इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, पूरी दुनिया में खुल गए हैं। और उसके लिए हमारे मोदी जी ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि वो योगा करते हैं। अब उनके सेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, कल तो बहुत बड़ा वो करेंगे शिविर, लोग उनके सामने देखेंगे कि वो योगा कर रहे हैं और कितना उनको लाभ है। कि आज वो 18 घंटे काम करते हैं, ज़रा सोचिए इस आयु में 18 घंटे काम करना मनुष्य तभी संभव अपने शरीर से करवा सकता है जब शरीर को ठीक रखे, और वो ठीक रखना योगा से ही संभव है। आज योगा डे के उपलक्ष्य में मैं सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि सर ने ये आयोजन किया मेरे साथ। मैंने सर को जस्ट कहा कि सर ये करना है, सर ने बोला बिल्कुल करते हैं। तो योगा सर सीखते भी हैं रोज़, और आज उन्होंने देखा ही आपने उनका परफॉर्मेंस, उनका इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी है। प्राणायाम वो सालों से करते थे, अभी आसनास पे फोकस कर रहे हैं, तो आसनास से उनकी बॉडी के थोड़े बहुत जो पेन थे, उनकी शिकायतें थी, वो दूर हो चुकी है। और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो इनके पोजेस भी बहुत अच्छे लगने लगेंगे। एंड योगा तो एवरीबडी सबको करना ही चाहिए। मैं सबको एक सलाह देती हूँ कि आप लोग सुबह उठ के 30 मिनट्स अपने शरीर को दीजिए, योगा कीजिए या प्राणायाम कीजिए या वॉक कीजिए, बट डेली आपको अपने बॉडी को 30 मिनट्स देना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी से प्यार नहीं करेंगे तो बॉडी भी आपको जल्दी छोड़ देगी। तो मैं यही सबको योगा डे पे बधाई देना चाहूँगी, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। इससे आज की मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट लाइफ है, जी बिल्कुल है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर एक्सरसाइज हो सकती है, आप चेयर पे बैठ के योगा कर सकते हैं, आप प्लेन में बैठ के योगा कर सकते हैं। आपको योगा में ब्रीदिंग मस्ट करना है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एनीवेयर यू कैन डू। और जो छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, जिससे हाथ हिलाना, अपनी फिंगर्स को रोटेश करना, अपनी ये एंकल सॉरी रिस्ट को ट्विस्ट करना, हाथों का स्ट्रेचिंग करना, ये बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के आप अपनी कमर से नीचे जा सकते हैं, अपने पैरों को छू सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको समय ना मिले, आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि रॉन्ग योगा करना भी आपको हानिकारक हो सकता है। जी कल मोदी जी का बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमारे बॉम्बे में काफ़ी सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और हमने आज का डेट चूज़ इसलिए किया क्योंकि हमारे साथ भजन सम्राट हैं, और आज आपका दिवस भी है, सिंगिंग दिवस है ना, नहीं कल वर्ल्ड म्यूजिक डे भी कल है। तो हमने कहा सर बिजी रहेंगे तो आज सर के साथ मनाया जाए, तो हमने आज योगा दिवस मनाया, कल हम लोग म्यूजिक डे मनाएंगे। और मोदी जी ने एक बहुत अच्छा जो कार्य किया है, योगा को इतना नाम और इतना सम्मान दिया है, मैं हमेशा उनकी धन्य कहते हैं ना आभारी रहना चाहूँगी। तो बस यही बोलना चाहूँगी, धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी योगा प्लेयर है, इसने 3 से 4 नेशनल्स ऑलरेडी खेल चुके हैं, एंड अभी हम आपको इसका छोटा सा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ठीक है सिमर? होता है सारे कलाकार बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, दिन आया म्यूजिक डे के दिन हम ये शपथ लेते हैं कि हम अच्छा संगीत प्रस्तुत करेंगे, ये शपथ लेते हैं कि हम सारी दुनिया को वो संगीत सुनाएंगे जो संगीत सुन के
वो पहले से और अच्छे इंसान बन जाएंगे। हम ऐसा संगीत नहीं सुनाएंगे कि बस वो डांस करें और कुछ ना करें। डांस भी करें लेकिन डांस के साथ साथ अपने विचारों को शुद्ध करें, अच्छे इंसान बने। तो ये हम लोग शपथ लेते हैं इस दिन। तो जितने कलाकार हैं किसी भी क्षेत्र के, चाहे वो म्यूज़िक के हैं, चाहे वो डांस के हैं, चाहे वो पेंटर हैं, चाहे वो स्कल्पचर्स जो भी हैं, मूर्तिकार हैं, कुछ भी हैं, सब लोग इस बात की शपथ लें कि हम लोग सुंदर काम करेंगे, सुंदर मेलोडी बनाएंगे और घर घर में लोगों को आनंद पहुंचाएंगे। ये हमारा फ़र्ज बन जाता है क्योंकि ये कला जो है, ये कला ईश्वर किसी किसी को देता है। इसका इंजेक्शन नहीं मिलता कोई दुकान में कि आप इंजेक्शन लगा लो और गाना गाने लगे हो, नहीं। तो प्रभु ने इंजेक्शन लगा के भेजा है आपको, तो उसकी लाज रखनी है, अच्छा काम करना है। तो मेरी ओर से वर्ल्ड म्यूज़िक डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हाँ, म्यूज़िक डे में हमने अभी देखिए सब लोगों ने गाया, जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, हम गा रहे थे। जब ये बंदूकें हटेगी तो हम गा रहे। मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, ब्रज का तू चंदा सारे जग में फैला रे, ब्रज का तू चंदा सारे जग में फैला रे, सारे दीवाने तेरे दुअल बेला रे, राधा के संग है कृष्णा, मीरा के संग तू, राधा के संग है कृष्णा, मीरा के संग तू, दुनिया में गूंजे प्रेम नाम का जादू, दुनिया में गूंजे प्रेम नाम का जादू, सांसों थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए क्या बोलूँ, योगा रे, इस योगा तो सबको करना चाहिए, ये मन को सुकून दिलाता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें सब जो आर्टिस्ट लोग हैं सबको करना चाहिए योगा। सो अनूप जी के यहाँ ये सब देख के बहुत अच्छा लगा, मैंने भी इसमें आई एम पार्ट ऑफ इट टुडे एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। योगा आप करती हो डेली? यस, एवरी डे मैं करती हूँ, एवरी डे करती हूँ योगा। तो कौन सा आसन है, कुछ नॉर्मली जो करते हो या फिर? नहीं, एवरी डे तो मैं अच्छा, लोगों को क्या कुछ कहेंगे, यंग जनरेशन को क्या कुछ कहेंगे योगा के लिए? यंग जनरेशन को सबको करना चाहिए योगा, सबको करना चाहिए। वर्ल्ड म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक डे बीइंग ए सिंगर, मेरे लिए तो एवरी डे इज म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग सब आज। अनूप जी भी है, मैम भी यहाँ पे, शिल्पी जी भी है। अरे अनूप जी के बारे में जितना बोले उतना कम है। अनूप जी इज फिट एंड फाइन ऑलवेज, और इतना इंस्पिरेशन लाते हैं वो सबको, यंग जनरेशन को, सबको। हम तो धन्य है। शिल्पी जी ने आज योगा सीखा? या, शी इज अ ग्रेट योगा टीचर, आई कैन से। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैम को भी काफ़ी दर्द है, तो मैम को भी योगा कराना है और उनके सारे दर्द निकाल। जी जी जी, ऑफ कोर्स, थैंक यू। अच्छा, बीइंग ए सिंगर कोई गाना हो जाए कि वर्ल्ड म्यूजिक डे है कल? नमारो नमारो हार होल गंध बना मारो, नमारो नमारो होल गंध बना मारो, लगत कर जवाब जो लगत कर जवाब बेचो।